शुरू करने का। सातों दिन भी पूरे बिहार में हड़ताल जारी रखे हैं। उसी के समर्थन में शिवा नगर परिषद के कर्मी भी हड़ताल पर हैं। इनकी अध्यक्षता कर रहे मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष अमित कुमार गोंड ने बताया कि सरकार किसी की भी आ रही है जा रही है, पर सफाई कर्मियों का सभी लोग शोषण ही कर रहे हैं। इनके बारे में कोई भी सरकार नहीं सोच रही है कि ये लगातार वर्षों से अपनी मांगों को लेकर मांग रहे हैं, पर सरकार हर बार आश्वासन देती है और हड़ताल तुड़वा लेती है, फिर कर्मचारियों को अनदेखा कर देती है। आज इस महंगाई के दौर में हमारे संविदा कर्मी को मात्र 8,000 रुपये मिलता है, जिससे इनका गुजर नहीं चल पाता है। जहां दो दिन हड़ताल होता है तो पूरा शहर कचरा फैलने और बीमारी बढ़ने का डर सताने लगता है, और वही हमारे सफाई कर्मी प्रतिदिन शहर के लोगों के द्वारा फैलाए गए कचरा में रहते हैं और साफ करते हैं, ताकि शहर स्वस्थ रहे और सफाई कर्मी बीमार हो जाए या मर जाए तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। इनका ना ही कोई जीवन बीमा है, ना ही कोई स्वास्थ्य बीमा है, और तो और इनके द्वारा किए गए मेहनतों को भी समय पे वेतन नहीं दिया जाता है। अस्थाई कर्मियों को न SP का लाभ मिल रहा है, न सातवां वेतन मिल रहा है। कुल मिला के कहें तो सरकार किसी की भी आ जाए, पर दलित कमजोर गरीब का कोई सोचने वाला नहीं है। जिस समाज के लिए एक दुखद संदेश है, जो हम सभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो भी सफाई कर्मी है वह पुतला लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं। महासंघ और संयुक्त मोर्चा के आह्वान से पूरे बिहार में नगर निकाय के जितने भी कर्मी हैं 27 तारीख से हड़ताल पे, 27 अगस्त से हड़ताल पे है, लेकिन इस सरकार को अभी तक कानों में जू नहीं रेंग रही है। हाई कोर्ट को आना पड़ रहा है कि हड़ताल तोड़ दिया जाए और इनका मांग जाए इनको पूरा किया जाए, लेकिन सरकार को अभी तक समझ नहीं आ रहा। पिछले बार भी हाई कोर्ट आई थी और मध्यस्थता करने के लिए, और उनके द्वारा कहा गया था कि कर्मियों का जो मांग है जाए जो उनको 8 हफ्ते में पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन आज 1 साल हुआ आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस महंगाई के दौर में 8,000 में कौन ऐसा लोग है जो अपना परिवार चला सकता है। हमारे सफाई कर्मी प्रतिदिन कचरे में रहते हैं और उनका आज तक ना जीवन बीमा है, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर कचरे उठाते वक्त उनकी मौत हो जाती है तो वो कोई पूछने वाला नहीं होता है। कचरे उठाते वक्त अगर उनको बीमार हो जाते हैं तो वो कोई 1 रुपया मदद करने वाला नहीं है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो छलावा आप कर रहे हैं, जब भी कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, आप कोर्ट को आगे कर रहे हैं और कोर्ट के द्वारा मध्यस्थता करवा रहे हैं, ये कहीं से सरासर सही नहीं है। अगर आपको जरा सा भी आपकी अगर अंतरात्मा जगी हुई हो तो जो भी हमारे कर्मियों के 11 सूत्री मांग है उसको एक बार पढ़िए और सारे के सारे मांग जाए जो तुरंत पूरा कीजिए। 11 सूत्री मांगे आप लोगों की कौन कौन सी है? देखिए 11 सूत्री मांगों के साथ सबसे प्रथम मांग है कि हमारे बहुत ऐसे कर्मी हैं जो 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से संविदा पे कार्य कर रहे हैं, उनको तत्काल अस्थायी किया जाए और जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको बीमा दिया जाए, जो भी हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं उनका सातवां वेतन दिया जाए, ACP का लाभ दिया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। लेकिन किसी भी तरह का यहाँ नगर निकाय में पूरे बिहार में सफाई कर्मचारियों को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, और बार बार हड़ताल करते हैं लोग, बार बार आश्वासन दिया जाता है, कभी कोर्ट को आगे कर दिया जाता है, ये छलाव किया जा रहा है कर्मियों का जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लग रहा है पुतला दान के माध्यम से सरकार आप लोगों की बातें को सुन पाएगी? देखिए सबसे ताजुब की बात है, 1 साल पहले यही कोर्ट हाई कोर्ट मध्यस्थता करने आई थी और बोली थी कि 8 हफ्ता में जितने भी बिहार के कर्मी हैं उनके मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। आज 1 साल हो गया नहीं पूरा हुआ, और कल भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप लोग हड़ताल तोड़िए और हम आपकी मांगों को सरकार तुरंत इसको निपटारा कराए 3 बजे बैठ के। हम देखते हैं कि क्या डिसीजन मिलता है सरकार के द्वारा, लेकिन मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा रवैया रहा तो न्यायपालिका पर से हम सभी कर्मियों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि पूरे देश में न्यायपालिका पर पूरे लोगों का भरोसा रहता है, लेकिन न्यायपालिका बार बार हस्तक्षेप कर रही है और कर्मियों का कोई मांग पूरा नहीं हो रहा है। किसका पुतला दान किया गया? आज हम सभी आनंद किशोर जो कि हमारे नगर विकास आवास मंत्री है उनका पुतला दान कर रहे हैं, प्रधान सचिव है उनका पुतला दान हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बार आश्वासन देते हैं और करते कुछ नहीं है, तो इससे अच्छा है वो नहीं लाए दूसरा कोई है।
क्या लग रहा है अगर आप लोग की मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो आला कमान हमारा कहता है हड़ताल चलता रहेगा तो हमारी हड़ताल चलता रहेगा, लेकिन हाई कोर्ट आए कह रहा है कि आप लोग हड़ताल तोड़िए, ये तो जबरदस्ती दबाव बना किया जा रहा है न्यायपालिका का, हम लोग सम्मान करते हैं। अगर ऐसा कहते हैं आने वाले दिनों में न्यायपालिका पर भरोसा उठ जाएगा। मेरा नाम अमित कुमार गोंड, मजदूर यूनियन जिला।